चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला मेरे लिए। और आप हर रविवार शाम 5 बजे मुझे सुनते हैं। आज मुझे आने में थोड़ा सा विलंब हुआ है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मैं आपको फिर भी बताना चाहूँगा कि मेरे पास कुछ बहुत अच्छी बातें आज करने के लिए, जिसमें आप सबका एक तो गर्व से सीना थोड़ा फैल जाएगा, और दूसरा कि आपको कुछ बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी जो आज के वक्त भारत में सब लोग उस जानकारी के पीछे पड़े। तो आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत के बनाए हुए आत्मनिर्भर INS विक्रांत के बारे में। इसके साथ साथ हम नौसेना के ध्वज के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, उसमें कुछ चेंज आया है। और जी हाँ, आपको एक और बधाई देनी है मुझे कहते हुए कि आपकी इकॉनमी जो 75 साल पहले आपके ऊपर राज करते थे ना गोरे अंग्रेज़, आज आप उनसे आगे पहुंच गए, यानी अब राज किसका है आप खुद समझ सकते हैं। तो इन तीनों पे हम सब बात करेंगे, और ऐसी प्यारी प्यारी बातें करने के लिए हम एपिसोड्स जो बनाते हैं उसी में एक एपिसोड जो बनाया है उसके हमारे जो प्रायोजक हैं, जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। रत्ना लेज़र डेंटल क्लिनिक से डॉक्टर रजत मिसूरिया एंड डॉक्टर अर्चना मिसूरिया हमारे शो को लगातार स्पॉन्सर करते आए हैं। और डॉक्टर रजत मिसूरिया और डॉक्टर अर्चना मिसूरिया झांसी के बेस्ट मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स में से एक हैं। झांसी में जो ज़्यादातर लोगों को तंबाकू खाने का जो शौक़ है, जो उनकी मजबूरी बन जाती है और एक आदत बन जाती है, जिसके चलते आपका मुख कम खुलता है और आगे वो बढ़ करके मुख कर्क का रीज़न बनता है, इस सब कुछ देखा जाए तो उस हिसाब से ये बहुत ही जानलेवा बीमारी हो सकती है। डॉक्टर रजत मिसूरिया का एक्सपर्टीज़, उनका तजुर्बा, उनकी तकनीक इस बीमारी से लड़ने में बहुत कामयाब है। और आपको अगर कहीं भी थोड़ा ऐसा लगता है जहाँ का मुख कम खुल रहा है, तो आपको फौरन उनसे परामर्श लेना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपको डेंटल इम्प्लांट कराना है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना है, या पायरिया का इलाज करवाना है, तो डॉक्टर अर्चना मिसूरिया और डॉक्टर रजत मिसूरिया का रत्ना लेज़र डेंटल क्लिनिक में जाएं और उनसे परामर्श लें। इसके साथ साथ अगर आपको अपने चेहरे की जॉ बोन और नोज़ बोन और जॉ बोन दोनों पे काम करा के अच्छी से स्माइल लानी है, तो भी आप उनसे मिल सकते हैं और उनसे आप ये चीज़ भी करवा सकते हैं। तो आपको मिलेगा इस वीडियो के बाद इसके डिस्क्रिप्शन में उनका फ़ोन नंबर, जिस पे कॉल अगर आप करके अपॉइंटमेंट देते हैं तो आपको कंसल्टेशन फीस से मिलती है 15% की छूट डिस्काउंट। तो देर मत करें, किसी भी तरीके की जानकारी ऐसी लेनी हो, उनसे मिलना हो, तो उस नंबर पर कॉल करके डिस्काउंट भी लीजिए और उनसे मिलने के लिए समय भी बुक कराइए प्राथमिकता पर। तो आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो के ऊपर, और आज बहुत सारी अच्छी बातें हैं आपसे करने के लिए। सबसे पहले बात करेंगे हमारे आत्मनिर्भर भारत की बहुत ही सफल कोशिश के ऊपर, जो है आत्मनिर्भर INS विक्रांत। जी हाँ, कंप्लीटली इंडिजिनसली बिल्ट, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजाइंड बाय इंडिया INS विक्रांत आपको देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया गया है। कोचिन शिपयार्ड से बना कोची केरला के अंदर ये एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है सर? तो एयरक्राफ्ट कैरियर इज़ अ वॉरशिप दैट सर्व्स एज अ सी गोइंग एयरलाइन एयर बेस। सो एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप इज़ अ वॉरशिप दैट सर्व्स एज अ सी गोइंग एयर बेस विच गिव्स फुल लेंथ फ्लाइट डेक। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा, जो युद्धपोत समुद्र की गहराइयों में जा करके आपको आपके जो लड़ाकू विमानों को उड़ने की क्षमता प्रदान कर सके डीप सी में जा करके, उसे हम एयर वॉरशिप कहते हैं। और ये एयर वॉरशिप्स बनाना आसान बात नहीं है, मजाक नहीं है, बहुत ही कम कंट्रीज़ हैं पूरे विश्व में जो एयर वॉरशिप कैरियर्स बनाने की कैपेबिलिटी रखती हैं। इसमें एक बहुत साइंस लगती है, बहुत टेक्नोलॉजी लगती है, जो बहुत ही मुश्किल से डेवलप होती है, और उसके बाद आप कहीं जा करके उन कंट्रीज़ में आ सकते हो, उन डेवलप्ड कंट्रीज़ में आ सकते हो जो एयर कैरियर वॉरशिप्स बना पाते हैं। तो अभी अगर हम देखें वर्ल्ड में कौन कौन है, उसमें आता है नाम जो एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप्स बनाने के लिए तैयार हैं, उनमें आता है US, उनमें आता है चाइना, उनमें आता है रशिया, उसमें आता है आपका जर्मनी, फ्रांस, 5 और 6 इंडिया। तो ये 6 कंट्रीज सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप्स बनाते हैं। और इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बता दूं, जो आपका INS विक्रांत है, जो कि कोचीन शिपयार्ड कोची केरला में बना है, उसकी लागत 20,000 करोड़ की आई है। 40,000 टन का वजन उठाने की क्षमता आपके INS विक्रांत के अंदर है। जी हाँ, और इसके साथ साथ 40,000 टन की पेलोड कैपेसिटी उठाने की क्षमता INS विक्रांत के अंदर है।
20,000 से ज़्यादा की लागत पे ये बना हुआ INS विक्रांत है, जिसमें 1600 लोग ट्रैवल कर सकते हैं या 1600 लोगों की रिक्वायरमेंट उसमें आराम से पूरी की जा सकती है। इसके साथ साथ आप उसमें 30 एयरक्राफ्ट्स उसमें लैंड कर सकते हैं। अब इतना सब मैंने जो आपको बताया, अच्छा आपको ये भी बता देता हूँ कि उसका जो डायमेंशन है वो 262 meters इन लेंथ है, यानी 262 meters लंबाई है और 62 meters चौड़ाई है, 62 meters विड्थ है। तो ये उसके डायमेंशंस है। अब आप पूछ जानना चाहेंगे कि भैया हम INS विक्रांत बना दिए, लेकिन क्या हमारे पास INS विक्रांत ही है? तो नहीं साहब, आपके पास INS विक्रमादित्य है और INS विक्रांत है। INS विक्रमादित्य आपका ईस्ट कोस्ट यानी बे ऑफ बंगाल में होता है और INS विक्रांत इज पोस्टेड इन द वेस्ट कोस्ट विच इज़ अरेबिक सी। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ पावरफुल। तो अब अगला सवाल ये उठता है साहब कि कितना सक्षम है हमारा INS विक्रांत, कहाँ पे हम खड़े होते हैं? हम बड़ी बात कर रहे हैं INS विक्रांत की, इतनी बड़ी चीज़ बनी है, हमें बड़ा अच्छा लगता है इसके बारे में बात करने में, मगर पूरे विश्व के पटल पे हमारी क्षमता क्या है INS विक्रांत को लेकर के? तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ इसके कंपैरिजन में, ताकि आपको आइडिया लगेगा कि हमने आत्मनिर्भर भारत होने में हमारा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा है और हमने कितनी प्यारी चीज़ बनाई है जिससे आप गर्व की अनुभूति तो हुई हो और साथ में आपका विश्वास ही आगे बढ़े कि एक देश जो 75 साल पहले गुलाम था वो आज किस किस चीज़ों को निर्माण कर रहा है। तो गेराल्ड आर फोर्ड इज़ दी नंबर वन एयरक्राफ्ट कैरियर फ्रॉम USA। गेराल्ड आर फोर्ड विश्व का नंबर एक यू नो एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि US अमेरिका का है, जिसकी क्षमता है 75 फाइटर जेट्स को ले जाने की और चॉपर्स को साथ में ले जाने की। तो ये तो उसमें 4,000 के आसपास लोग उसमें ट्रैवल कर सकते हैं, उसमें सेलिंग कर सकते हैं। तो गेराल्ड आर फोर्ड अमेरिका का। इसी के बाद अमेरिका के दूसरे कैरियर्स आते हैं जिनका नाम है निमित्स। जो निमित्स क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनकी क्षमता 60 फाइटर एयरक्राफ्ट्स को कैरी करने की है, ठीक है साहब। इसके साथ में आते हैं जो बाद में वो रॉयल यूके आर्मी, यूके नेवी, रॉयल यूके नेवी के दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स आते हैं, जिसमें से एक है क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट और प्रिंस ऑफ वेल्स एयरक्राफ्ट कैरियर। तो ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो उनकी क्षमता अराउंड 40-45 के बीच में एयरक्राफ्ट्स को कैरी करने की है। ये आ गए यूके के। इसके बाद चाइना आता है। चाइना के पास लियोनिंग और शैनडोंग दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। लियोनिंग जो है वो मैं आपको बता दूं, लियोनिंग जो है वो उन्होंने रशिया से जब USSR था, यूनाइटेड सोवियत संघ रिपब्लिक, उस वक्त जब डिसइंटीग्रेट हुआ रशिया बना, तब इन्होंने उनसे ख़रीद लिया। उन्हें पैसे की ज़रूरत थी, इनके पास पैसा था, इन्होंने उनसे वो लियोनिंग ख़रीद लिया और लियोनिंग आज भी उनके उसमें तटस्थ है और काम कर रहा है और उस पर ट्रेनिंग्स होती हैं और उसकी क्षमता अराउंड 55-60 एयरक्राफ्ट से जाने की है। इसके बाद चाइना ने अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया उनने टेक्निक लेकर के, और उसका नाम रखा शैनडोंग। शैनडोंग में आप 50-55 एयरक्राफ्ट कैरी कर सकते हैं और वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी बना हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके बाद आता है आपका रशिया का एडमिरल किनत्सो, जो कि अराउंड 50 एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है। इसके साथ में आपका आता है INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य। INS विक्रांत, जिसके आपने कहा कम्प्लीटली इंडियन इंडिजिनसली डिज़ाइंड इंडिया प्रोडक्ट है, मेड इंडिया, मेक इन इंडिया, डिज़ाइंड बाय इंडियन एवरीथिंग, और इस पे 30 एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, 40,000 की पेटन लोड कैपेसिटी है। इससे ज़्यादा बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया ने अभी तक नहीं बनाया है। इसके साथ में इंडिया के पास है INS विक्रमादित्य। INS विक्रमादित्य 2013 में रशिया से लिया गया था और उसके बाद ये इंडिया में डिप्लॉय हुआ और उसके बाद ये इंडिया आज भी सेवा कर रहा है, अपनी सेवा प्रदान कर रहा है बे ऑफ बंगाल के अंदर। इसके साथ में फ्रांस का ग्रुप दी गैलिलो कर गैलियो ग्रुप दी गैलियो करके उनका भी एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि फ्रांस के पास है एक। अब आप पूछेंगे इसमें से न्यूक्लियर कैपेबल एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है? तो वर्ल्ड में सर दो ही एयरक्राफ्ट कैरियर्स न्यूक्लियर कैपेबल है, जिसपे आप न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट को ले जा सकते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब्स अटैच किए जा सकें और उनको रखने के लिए क्षमता हो न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट वेसल के अंदर। तो वो सिर्फ दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जो है US के पास, गेराल्ड आर फोर्ड और ग्रुप दी गैलियो ऑफ फ्रांस। तो ये दो ही वर्ल्ड के न्यूक्लियर कैपेबल एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, ठीक है सर। तो ये हमारी कुछ बातें हुई INS विक्रांत के बारे में, जो आपको मैं और थोड़ा बताना चाहूँगा कि एयरक्राफ्ट कैरियर जो INS विक्रांत है
आपका उसका अगर आप देखें उसमें मैंने बताया 40,000 से 45,000 की पेटन लोड कैपेसिटी वो ले जा सकता है, ये अप्रॉक्सीमेटली 1600 लोगों को अपने साथ में बिठा सकता है और उसके बाद फ्लाई कर सकता है। इसकी जो स्पीड है वो 28 नॉट्स की है। 28 नॉट्स अगर आप देखो तो ये होता है 52 किलोमीटर पर आर की रफ्तार, जो पानी के अंदर काफ़ी तेज़ हो सकती है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें कम्प्लीटली इंडिया मेड है, डिज़ाइंड है, और ये टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी तरह से डेवलप की गई है इंडिया के अंदर। अब INS विक्रांत साहब सिर्फ टेक्नोलॉजी से ही नहीं बना है, इसको बनाने के लिए लगा है स्टील। अब ये स्टील जो है ना एक स्पेशल तरह की स्टील होती है, नॉर्मल स्टील नहीं होती है, जिस पे हमारा INS विक्रांत डिज़ाइन हुआ है या बना है जिससे, क्योंकि आप जब किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाते हो उसकी लागत बहुत बड़ी होती है, और उसका समय कार्यकाल जो वो करेगा अपना पानी में रह करके, वो भी सॉल्टी वाटर में जहाँ जंक बहुत लगती है, उसमें आपको एक बढ़िया धातु की ज़रूरत होती है। ये धातु जो है, जो स्टील है, वो 3 लोगों ने मिलकर बनाया है, इंडियन आर्मी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन आर्मी से मेरा मतलब इंडियन नेवल फोर्स, इंडियन नेवी, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और उसका DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों ने मिलकर के इस स्टील की टेक्नोलॉजी पे वर्क किया, स्टील का निर्माण किया, जिससे ये एयरक्राफ्ट कैरियर वेसल बना। और इसकी क्षमता ये है कि ये -16 डिग्री के टेम्परेचर पर भी आराम से सेल कर लेगा। आप समझ रहे हो, जबकि नॉर्मल स्टील आप देखो अगर -16 पे जाने से पहले फट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये इसकी कैपेबिलिटी है, -16 तक आपका एयरक्राफ्ट कैरियर अंदर टेम्परेचर सह सकता है। तो ये INS विक्रांत की खूबसूरती है, ये उसकी माइट है, ये उसकी ताकत है। तो मैंने आपको बताया कुछ INS विक्रांत के बारे में, उसके डायमेंशंस के बारे में, उसकी कैपेबिलिटी के बारे में, उसके मेटलर्जी के बारे में, इसके साथ साथ कौन कौन सी कंट्रीज़ डेवलप्ड हैं इस टेक्नोलॉजी से जो एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकें, और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि कौन कौन से इससे भी ज़्यादा सक्षम एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं दूसरे देशों के पास, जिसकी हमने थोड़ी सी बात की कि कौन से न्यूक्लियर हैं, कौन से नहीं हैं, किसका क्या नाम है, वो सारी चीज़ें बताई। तो ये तो हो गया सब हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात। अब थोड़ी सी बात हम करेंगे अपनी इंडियन नेवी को लेकर के, बिकॉज इंडियन नेवी जो 17 सेंचुरी में से एक तटरक्षक छोटी सी टुकड़ी हुआ करती थी, उसे हमारे सम्राट शिवाजी महाराज ने बड़ा करके 5,000 लोगों के साथ बड़ा किया और कैपेबिलिटीज़ बढ़ाई मल्टी फोल्ड्स, और आज के समय में 21वीं शताब्दी में जब वो लीडिंग इंटरनेशनल इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी कहलाती है, उसके तरह से पहचान हुई। इसके बीच में कई बार इनका राष्ट्रीय ध्वज, इनका राष्ट्रीय पताका, जो नेवी पताका, इंडियन नेवी पताका जो था उनका उसमें बदलाव हुए, क्योंकि ब्रिटिश के ज़माने से वो चल रहा था। और जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि 15 अगस्त में कि हमें अपने मन से, दिमाग से गुलामी की सारी चीज़ें हटानी होगी, तभी हम जाकर के खुले दिमाग से सोच पाएंगे, आगे की सोच पाएंगे, वरना हम आगे उस तरह से कैसे गुलामी के साथ नहीं बढ़ सकते। तो हमें जो भी चीज़ें, तो उसमें कई सारे डिज़ाइन किए थे, उसमें सेंट जॉर्ज का एक क्रॉस था इसमें इंडियन नेवी के फ्लैग के ऊपर, जो काफ़ी पुराना था, अंग्रेजों के ज़माने का था। वो सेंट जॉर्ज का जो क्रॉस था पूरे फ्लैग पे रेड कलर का, वो एक बार 2001 में पहले भी हटाया गया था, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसको हटवाया था, लेकिन बाद में फिर वो लग गया और चालू हो रहा था, लेकिन अब से दोबारा चेंजेस करवाए हैं मोदी सरकार ने 2022 के अंदर, और उस रेड क्रॉस को हटा दिया गया है। यानी कि अब एक एक चौथाई में जो ऊपर की तरफ है बाएं साइड में, उधर पे आपका राष्ट्रीय ध्वज की इमेज है, और एक अष्टकोणीय 8-डायमेंशनल फिगर है ब्लू कलर की, जिसमें एक लंगर हैगा, लंगर यानी आपका एंकर, उसके ऊपर आपका राष्ट्रीय चिन्ह जो कि अशोक है उनका, उसका वो है, और नीचे आपका वो जो उनका आर्मी, इंडियन नेवी का जो वो है वाक्य, जो उनका लिखा होता है बहुत ही गौरवपूर्ण वाक्य, शम नो वरुणा, तो शम नो वरुणा लिखा हुआ है, और वो पूरा उस पर लगाया गया है। तो ये जो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया, देवनागरी से मुझे याद आया, आप अगर ये टी शर्ट देख रहे हैं ये भी देवनागरी में कुशाक लिखा हुआ है, कुशाक मीन्स किंग, सो देवनागरी से मुझे याद आया कि ये स्टाइल ऑन बुंदेलो, गो टू स्टाइल ऑन बुंदेलो ऑनलाइन, यू कैन चेक मैनी टी शर्ट्स लाइक दिस, स्टाइल ऑन बुंदेलो ऑनलाइन पे जाइए और ऐसी टी शर्ट्स चेक करिए, आप भी पा सकते हैं कुशाक, बी अ किंग।
ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब आपसे यही था कि उनने देवानगरी में लिखा हुआ है शमनो वर्णा, जो उनके उसमें हैगा। और ये जो अष्टकोणीय यानी एट डायमेंशनल फिगर है, वो मल्टी डायमेंशनल मल्टी अप्रोच दिखाती है इंडियंस की रीच की एंड ऑपरेशनल कैपेबिलिटी की। तो इस चीज़ को उन्हें दिखाया गया, और ये शिवाजी के महाराज की जो सील थी उससे प्रेरित है, उससे बनी हुई है। और इस वजह से ये हमारे हमारी परंपरा जो रही, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो इतनी गौरवशाली इतिहास है उसका स्वरूप बने, वो होना चाहिए और वही हो रहा है। ये थोड़ा सा बदलाव करने वाली इंडियन नेवी, जिसमें आज इतनी क्षमता है कि 2019 के जून का मैं आंकड़ा आपको बताऊं तो अराउंड 63,000 ऑफिशल्स पर्सनल सर्विस में थे उस वक्त, और अबव 70,000 पर्सनल्स रिजर्व में थे। इतनी बड़ी आपकी टुकड़ी है आज इंडियन नेवी, ये जो क्षमता है, जिसके पास में 150 शिप, उस वक्त के आंकड़े बता रहा हूँ आपको, 150 शिप्स थे और 300 नेवल एयरक्राफ्ट थे, नेवल एयरक्राफ्ट। तो ये हमारी इंडियन नेवी की क्षमता है, इंडियन नेवी की ताकत है। तो इंडियन नेवी उस वक्त से आज क्या बन गई है आप समझ ही रहे होंगे, इतना बड़ा चेंज आ गया। तो इसके लिए तो हम वाकई में तारीफ ही कर सकते हैं, हम अपने आप को अपनी पीठ थपथपानी चाहिए हमें। इसके साथ साथ अब मैं आपको थोड़ा सा यही बता दूं कि आज वो गरिमामय पल है जब मैं आपसे बोल सकता हूं कि ऐसा भी हो सकता है। कैसा? कि जो देश 75 साल पहले जिस देश के अंदर में था, अधीन था, गुलामी कर रहा था, वो देश आज 75 साल बाद आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में, अमृत काल में, वही देश उस देश के आगे बढ़ गया इकोनॉमी में, यानी उस देश के आगे इकोनॉमी में जा चुका है। आज हम उनसे पैसों की दुनिया में उनसे ज़्यादा उनसे कैपेबल हो गए हैं, उन पर राज कर रहे हैं। और अब आप सोचिए 75 साल में इतना बड़ा फर्क आ गया, जब हम जिसके हम अधीन थे, जिसकी हम गुलामी कर रहे थे, आज हम उनसे आगे हैं इकोनॉमी के पैरामीटर्स पर। और ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF का डेटा है जो क्लियरली शो करता है, जो मैंने आपको क्लिप पे भी दिखाया है फोटोग्राफ, कि आज हम उनसे भी आगे बढ़ गए हैं, उनसे ज़्यादा कैपेबल हो गए हैं इकोनॉमी में, और हम सशक्त होते जा रहे हैं। हमारी GDP इस साल 7% के ऊपर बढ़ना तय है, ऐसा इंडियन मॉनिटरी फंड ने बोला है, IMF की वो है। तो दिस शोज कि दैट वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, वी आर गेटिंग कैपेबल ऑन एन एवरी अदर डे, एंड द गुड थिंग्स आर जस्ट अबाउट टू कम। इट इज़ ऑल दैट वी शुड बी फोकस्ड ऑन वॉट वी आर डूइंग, गेट क्वालिटी इनहेरिट to whatever we can, you know, get into, and ensure that we get the class leading results to pose to the market, to pose to the international arena. So meri shubhkamnaye puri Indian army, Indian navy, Indian vayu sena, bharatiya nau sena aur bharatiya army ke sath hai. Aur main sarkar ko bhi shubhkamnaye dena chahunga, badhaiyan dena chahunga ki unhone itna acha kaam kiya ki aaj hamari economy उस देश के आगे हो गए जिस देश के हम अधीन थे 75 साल पहले। तो इससे अच्छा आज़ादी का अमृत काल में सच्चा अमृत तो और कुछ हो ही नहीं सकता देने के। ठीक बात कह रहा हूँ ना मैं आपसे? तो आई थिंक दैट्स अ होल थिंग विच आई वांट टू टॉक टू यू टुडे अबाउट एंड फील प्राउड ऑफ, एंड आल्सो वांटेड टू मेक यू ऑल प्राउड एज वेल। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम, एंड सिंसियरली अप्रिशिएट यू ऑलवेज कीप्स ऑन कमिंग इन एंड यू नो एनकरेज मी टू टॉक ऑन टू अ गुड थिंग्स एंड कीप पीपल ऑफ बुंदेलखंड एंड झांसी इन्फॉर्म्ड ऑन व्हाटएवर इज हैपनिंग अराउंड अवर कम्युनिटी और अराउंड दिल्ली, अराउंड अवर कंट्री, इन अवर कंट्री, एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ इट। एंड दैट्स द होल आइडिया ऑफ यू नो गेटिंग टू दीज शोज ऑन झांसी बाजार। तो हम नेक्स्ट रविवार शाम 5 बजे एक बार फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक भी दीजिए इजाज़त, आपकी रविवार की शाम खूब अच्छी हो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद, थैंक यू।